हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एच फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाथरूम टॉयलेट्स की टाइल को क्लीनिंग करने का क्या तरीका है। वक्त को लाया कि ये बिना हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, टाइल दिखने में साफ नज़र आ रही है, लेकिन इसके ऊपर धब्बे हैं जो कि कैमरा करीब करके मैं आपको दिखाता हूँ। वो धब्बे जो अक्सर कार नहीं जाते, उसको क्लीनिंग करने का क्या तरीका है वो प्रोसीजर बताएंगे। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर के ऊपर धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये इस किस्म के जो धब्बे हैं, ये बहुत बुरे लगते हैं वॉशरूम में, ख़ास करके जब आपकी टाइल वाइट कलर की हो, लाइट कलर की हो, तो तब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम इन धब्बों को नॉर्मली अगर आप क्लीन भी करते हैं किसी भी ब्लीच वगैरह से, तो तब भी नहीं जाते। ये सरफ से भी धोते हैं तब भी नहीं जाते। तो इसमें बताएँगे कि आपको, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन धब्बों को साफ़ किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि कौन सा केमिकल अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये केमिकल दिखा देता हूँ। नॉर्मली ये केमिकल है, हाई टून कहलाता है, जो कि नॉर्मली ये पेंट रिमूवर के लिए होता है। यानी कि किसी भी जगह से पेंट को अगर हटाना हो, किसी दरवाजे से हटाना हो, तो हम ये केमिकल यूज़ करते हैं। लेकिन आज ये केमिकल हम यूज़ करेंगे इस टाइल के ऊपर, ताकि इसके जितने भी धब्बे वगैरह हैं ये साफ़ हो जाएं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये टाइल को किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। अगर आप इसके बस तेज़ाब या ब्लीच यूज़ करते हैं, तो वो टाइल को डैमेज भी करता है, उसकी शाइनिंग को ख़त्म करता है। तो हम इस केमिकल को अप्लाई करके दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरीके से हम ये केमिकल डाल देंगे इसके ऊपर। ये हमने केमिकल डाला एक जगह पर, और इसको कॉटन वेस्ट से या बुरिश से इस तरीके से टाइल के ऊपर उन जगहों पर लगा देंगे जहाँ पर धब्बे हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था धब्बे हैं, तो इस जगह पर ये अप्लाई हो रहा है। ये देखें, ये थोड़ी देर में ये जितने भी धब्बे हैं और जितना भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ भी चिपकी हुई है, तो वो सबको उभार देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद इसको नॉर्मली हम कॉटन में इसे साफ़ करेंगे, उसके बाद इसको धो देंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बबल भी बनने बारी किस तरीके से बबल बनने हैं हल्के हल्के। तो ये इस वक्त इसके अंदर जितना भी मैल है या धब्बे चिपके हुए हैं या कुछ भी है, वो सारे उभार देगा। उसके बाद इस टाइल को दिखाएंगे तो एकदम क्लीन कर देगा। इवन ये कि सामने अगर फ्लोर ड्रेन लगी हुई है, इसके ऊपर भी किसी किस्म का धब्बा आ जाता है, तो वो भी क्लीन कर देगा। और ख़ास करके टाइल का जो ज्वाइंट होता है जहाँ पर ग्राउंडिंग हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा मैली हो जाती है और बहुत बुरी लगती है वॉशरूम के अंदर, तो उसको भी ये क्लीन कर देगा। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो इस तरीके से केमिकल अप्लाई कर दिया। थोड़ी देर हम इसको रोकेंगे, 5 से 10 मिनट का हम इसमें इंतज़ार करते हैं। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 10 मिनट बाद जब हम इस हाई टून केमिकल को साफ़ करेंगे स्टाइल के ऊपर से, और साथ ही वो सारे जो दाग धब्बे हैं, जो मैली टाइल हैं, वो एकदम साफ़ हो जाएंगी, तो वहाँ से फिर वीडियो शुरू करेंगे जी। तो तकरीबन 10 मिनट का टाइम गुजर गया है, अब हम चलेंगे इस केमिकल को साफ़ करने के लिए। देखते हैं कि ये दाग धब्बे रिमूव होते हैं या नहीं। तो आपने कोई नाइफ ब्लेड ले लेना है, डायरेक्टली फ़ौरन कॉटन वेस्ट से नहीं करना सफाई, इस तरीके से आपने करना है। और ये देखें किस तरीके से इसके ऊपर जमा हुआ जो रस्ट है या मैल है या दाग धब्बे, वो किस तरीके से हट रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल है और बहुत ही आसान तरीका है ये काम करने का, जिससे आपके बाथरूम की टाइल एकदम साफ, नीट एंड क्लीन हो जाएगी, सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मैल और ये सारी चीज़ें हट रही हैं यहाँ पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी किस्म का भी आप सवाल कर सकते हैं। ये देखें दाग धब्बे एकदम गायब होना शुरू हो रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से मैल उभर गया और ये किस तरीके से इसने सारा कुछ गंद जितना भी था इसके ऊपर, किसी किस्म का भी जो मैल था या दाग धब्बे थे किसी किस्म के भी, वो सारे रिमूव कर दिए।
हाथों पे आपने सेफ्टी ज़रूर करनी है, केमिकल कोई सा भी हो वो कुछ ना कुछ तो जिनको नुकसान पहुंचाई देता है, तो बेहतर ये है कि आप सेफ्टी के साथ काम करें। और जो मैंने वीडियो में पहले धब्बा दिखाया था वो देखें, अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसको अच्छे तरीके से हम साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर धब्बा था बहुत बड़ा जो कि बिल्कुल हट गया है जी। तो फाइनली क्लीनिंग हो गई है, जो दाग धब्बे थे वो रिमूव हो चुके हैं। फाइनली हम इसको साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर शुरू में किस तरीके से इस टायर की कंडीशन हमने दिखाई थी, और इस वक्त देखें आप शाइन भी कर रही है टायर और सारे दाग धब्बे भी यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।